प्याज की बढ़ती कीमतों से जहां लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, तो वहीं विपक्ष इस मसले पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी मामले में पंजाब कांग्रेस के कई विधायक चंडीगढ़ स्थित बीजेपी ऑफिस में प्याज की माला लेकर पहुंच गए, लेकिन जब वहां बीजेपी नेता नहीं मिले तो उन्होंने गार्डों से कहा कि ये माला उन तक पहुंचा दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्याज की बढ़ती कीमतों पर संदेश पहुंचा सके। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब के बीजेपी दफ्तर पर पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की तस्वीरों को एक पोस्टर लेकर पहुंचे और इनके हाथ में प्याज की बनी कुछ मालाएं भी थी। इन विधायकों का कहना था कि प्याज के लगातार बेकाबू हो रहे दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पेट्रोल तथा प्याज की कीमतें बढ़ने पर बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया करते थे। कांग्रेस के इन विधायकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को आम लोगों को प्याज की कीमतों की वजह से पेश आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहते हैं और इसी वजह से चंडीगढ़ में पंजाब स्थित बीजेपी के दफ्तर के पदाधिकारियों और संचालकों को प्याज की मालाएं गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वे ये मालाएं अपने केंद्रीय आलाकमान के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सके। हालांकि इस दौरान इन विधायकों को बीजेपी दफ्तर में कोई नेता नहीं मिला क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसी वजह से बीजेपी दफ्तर में पदाधिकारी और अन्य नेता आ ही नहीं रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर से ही तमाम कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए और जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर पर प्याज की मालाएं पहनाकर वहां से चले गए।